नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में मुंबई में हुआ निधन। दो दिन की लाओस यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। रतन टाटा के निधन पर अमित शाह का ट्वीट, उन्होंने कहा निस्वार्थ भाव से देश के विकास में योगदान दिया। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हिजबुल्ला के आतंकवादी सेल के प्रमुख को मार गिराया। रतन टाटा का निधन एक युग का अंत, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया सामने। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 3 मंजिला इमारत में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड गाड़ियां। इटावा में यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बेटे अखिलेश ने अर्पित की पुष्पांजलि। मुंबई में रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए परिसर में लाया गया। हाथरस सत्संग मामले में जांच आयोग के सामने आज भोले बाबा की पेशी होगी। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। फिलहाल टॉप 10 में इतना ही।